नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, यूपी SSSC BDO के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। पहले आपका क्या था कि कुछ अफवाहें फैली थी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर अफवाह फैली नहीं होगा, फिर वो हुआ हुआ। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि क्या बदलाव हुआ है और वह बदलाव कितना ज़रूरी है, हो गया है कि नहीं हुआ है। सब कुछ क्लियर होगा इसी वीडियो में, तो आप देखते रहिए। पेपर की कटिंग के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ सब कुछ आपको सामने। देखिए, दिया गया है IAS पैटर्न से भर्ती होंगे कर्मचारी, पहले स्क्रीनिंग फिर होगी मेंस परीक्षा। ये आज की पेपर की कटिंग है। आपको यकीन ना हो तो आप यहाँ पे एक देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक ईमेल एड्रेस दिया गया है। इस ईमेल एड्रेस से आप जाकर के पता कर सकते हैं, deepsinghatheratetimegroup.com पे आपको पता चल जाएगा कि आज के ही पेपर की कटिंग है। और आज पेपर मतलब 6 दिसंबर 2012 की पेपर कटिंग है। कहाँ से निकला है? लखनऊ से। देखिए क्या क्या है इसमें। इसमें कह रहा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा से फिर होगी मेंस परीक्षा। अब इसमें देखिए, UP SSSC की इसी महीने में, UP SSSC की इसी महीने से शुरुआत की तैयारी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC IAS की तर्ज पर परीक्षा, एक सेकंड रुक जाइए। UP SSSC कह रहा है, यहाँ ऊपर से देखिए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, पढ़ने में नहीं आ रहा। हाँ, अब देखते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC IAS के तर्ज पर कर्मचारी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग और मेंस परीक्षाएं कराएगा, जिसकी शुरुआत 12 और 13 दिसंबर को होने वाली ग्राम विकास अधिकारी BDO और ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सचिव की परीक्षा से कराने की तैयारी। परीक्षा में गड़बड़ियां रोकने के लिए दिए गए उच्च स्तरीय कमेटी की इस सुझाव को प्रदेश सरकार ने मान लिया, फिर भी आयोग ने इसी परीक्षा से नए पैटर्न के लिए शासन से अनुमति मांगी है। सितंबर में आयोग की नलको परीक्षा, अब इसमें दिया कि कब कब परीक्षाएं लीक हुई, कैसे परीक्षाएं लीक हो गईं, तो पूरा सुझाव दिया है। लेकिन यहाँ पे जो एक मेन तथ्य दिया गया है कि वहाँ पे UP SSSC के अध्यक्ष CB पालीवाल का कहना है कि हमने नए प्रयोग के लिए पहले ही अनुमति मांगी है, अनुमति मिली तो 22-23 दिसंबर की परीक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। और 22-23 दिसंबर को BDO का पेपर है ग्राम विकास अधिकारी, ऊपर कटिंग में दिया गया। यहाँ देखिए, दिया गया सब कुछ। यह है प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव ये है कि 22 और 23 दिसंबर को ग्राम विकास अधिकारी के 263, ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पदों के लिए परीक्षाएँ होनी है। इसमें लगभग, यहाँ देखिए 20 लाख लिखना था, गलत हो गया है। लगभग 20 लाख मतलब 14 लाख कुछ हज़ार फॉर्म हैं, लेकिन ये गलत लिखा गया है। 2 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने शासन से अनुमति मांगी है कि इस परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा के तौर पर मान लिया जाए। इसमें से 10% यानी 20,000 परीक्षार्थी मेंस में बचेंगे। फिर इसी में आगे दिया, ऑनलाइन की तैयारी। UP SSSC ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी प्रयास कर रहा है। परीक्षार्थियों की ज़्यादा संख्या होने के कारण अभी ऑनलाइन परीक्षाओं में मुश्किल हो रही है। आयोग का मानना है कि इतने लैब और कंप्यूटर ही नहीं उपलब्ध हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा सकें। स्क्रीनिंग परीक्षा तो ऑनलाइन ही करवानी पड़ेगी। देखिए, स्क्रीनिंग परीक्षा कैसे होगी? ऑफलाइन करवानी पड़ेगी, लेकिन मेंस में कम से कम अभ्यर्थी रह जाएंगे, तब ऑनलाइन मोड से परीक्षा होगी। सरकार का मेन मकसद क्या है? ऑनलाइन पेपर कराना है पहला, लेकिन पहला जो हमारा ये होगा, स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, कैसी होगी? ऑफलाइन होगी, संख्याओं को कम करने के लिए। 14 लाख 15 लाख फार्म पड़े, 2000 पद है, तो आप सब खुद जानते हैं। ये बहुत पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने BDO का सिलेबस दिया था। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था किस तरह से कुछ होने वाले हैं, लेकिन उस समय कई लोग हमको ग्रुप पे आकर के उस पर कह रहे थे कि उल्टा पलटा ऐसे मत डाला कर रहे हो। आज देखिए, आखिरकार वही निकल के आया है, चूँकि उस समय भी बहस की बात थी, सिर्फ पालीवाल का ही कहना था, तो आज वही चीज़ें हैं। तो ये देखते रहिए, इससे जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।